नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी और मैं अक्षय कुमार नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम है जीएस विवेक, लेकिन इस शो का नाम खिलाड़ियों का खिलाड़ी इसलिए रखा है क्योंकि खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानना, पहचानना और अंदर की बातें निकालना वो भी किसी काम जो है किसी खिलाड़ी का ही हो सकता है, जो कि काम मैं कर रहा हूं। इसीलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए खिलाड़ियों का खिलाड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से, और खबर यह है कि नीरज चोपड़ा अब बर्मिंगम में अपने कॉमनवेल्थ टाइटल को डिफेंड नहीं करेंगे। थाई स्ट्रेन की वजह से उन्होंने पुल आउट कर लिया है, लेकिन इससे अब इंडिया को एक गोल्ड कम और एक मुसीबत ज्यादा हो गई है। मुसीबत यह कि अब पीवी सिंधु और मीराबाई चानू के बीच में जंग है कि कौन भारत का झंडा उठाएगा ओपनिंग सेरेमनी में। जी हाँ, जब तक नीरज चोपड़ा थे तो उनके आसपास कोई नहीं था, वही रहे थे फ्लैग बैरर, लेकिन अब उनके बाहर होने से अब सवाल ये उठा है कि फ्लैग बैरर कौन बनेगा ओपनिंग सेरेमनी में, पीवी सिंधु या मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के अगले ही दिन कॉम्पिटिशन है उनका, तो इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि पीवी सिंधु जो है वो फ्लैग बैरर बनेगी इंडिया की। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंधु की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मिट्ठू की बात भी कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिथाली राज की। सुनने में ये आया है कि मिथाली राज अब वापस कमबैक करना चाह रही है। अब कमबैक तो उन्हें करना ही होगा क्योंकि शाबाश मिट्ठू की जो हालत हुई है, 30 करोड़ की लागत पर बनी उस मूवी 2 करोड़ ही कमा पाई है, उसका भरपाई अगर करना है तो मिथाली राज को अपने बायोपिक से ज्यादा एक बार फिर लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि वो कितनी बड़ी बैटर रही है। इसीलिए वो कह रही हैं कि जो विमेंस आईपीएल है उसकी शुरुआत वाले सीजन में वो जरूर खेलेगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिल्मों की, क्रिकेटर्स की। एक बात है, शाबाश मिट्टू को ले लीजिए, जर्सी मूवी को ले लीजिए या फिर 83 की लीजिए, जर्सी और शाबाश मिट्टू इनको तो ऑफिशियली डिजास्टर करार दे दिया गया है कि इतने मूवी नहीं बना पाए, इतना पैसा भी नहीं बना पाए कि वो फ्लॉप के कैटेगरी में आ पाए। जबकि 83 मूवी की अगर हम बात करें तो वो बाकायदा फ्लॉप साबित हुई है। तो यानी कि अब कोई भी डरेगा बॉलीवुड में स्पोर्ट्स बायोपिक बनाने में, क्योंकि पिछले तीनों जो हैं वो डिजास्टर रही हैं या फिर फ्लॉप रही हैं। और शायद अब हो सकता है कि हम सबको समझ में आए कि जब इतने कपड़े फट जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि रणवीर सिंह ने जो है एक न्यूड फोटोशूट क्यों किया है। खैर, हमें इससे क्या, हम चलते हैं आगे की तरफ। और आगे जब हम बात कर रहे हैं पैसों की, तो ये भी बता दें कि BCCI से अब एक एक करके स्पॉन्सर्स भागते हुए जा रहे हैं। पेटीएम जो टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स थे होम सीरीज के और इंडिया राइट्स के, वो भागते जा रहे हैं और उन्होंने जो है दे दिया है, पाला पलट दिया। मास्टर कार्ड जो है उनकी भरपाई करेगा, मास्टर कार्ड जो है अब इंडिया के नए स्पॉन्सर्स बनेंगे, क्योंकि पेटीएम ने कहा कि इतना पैसा हमारे पास भी नहीं है कि हम आपको भरते रहें, और इसीलिए उन्होंने अलविदा कह दिया है इंडियन टीम को। और वहीं डीडी स्पोर्ट्स जो है बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, और ये तब है जब इंडिया सीरीज बहुत अच्छे तरीके से जीत रही है। डीडी स्पोर्ट्स को एक भी स्पॉन्सर मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है। वोट सीरीज जो उन्होंने जनहित में दिखाने की कोशिश करी, अब खैर जनहित की बात कर रहे हैं तो वो मूवी जो जनहित है उसकी भी वही हालत हुई है जो डीडी स्पोर्ट्स की फिलहाल हो रही है। दोनों की हालत इतनी खराब है कि कोई स्पॉन्सर आ ही नहीं रहा इंडिया और वेस्टइंडीज सीरीज, खासतौर पर वनडे सीरीज को एडवर्टाइज करने के लिए, क्योंकि इतनी रात को, अब रात तो क्या, रात को शुरू होती है, सुबह जो है आप वो मैच खत्म होता है, तो यही हाल होगा और इसीलिए कोई भी एडवर्टाइजर बिल्कुल भी वहां नहीं आ रहा। चलिए चलते हुए सीधा के सीधा एक चीज और मैं आपको कह दूं कि एक रिकॉर्ड नया बना है, और रिकॉर्ड ये कि 18 साल के जो है गुस्टाव मैकीन, वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट सेंचुरियन बने हैं T20 क्रिकेट में। अब आप पूछेंगे कि ये कौन से कंट्री के हैं, जी हाँ, फ्रांस के हैं, और उन्होंने मैच खेलते हुए सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने T20 में 100 किया है। खबर ये नहीं है कि उन्होंने 100 किया है, खबर ये है आप सबको जानने के लिए कि फ्रांस भी क्रिकेट खेलती है। तो फ्रेंच ओपन में अगली बार अगर आप देखें तो देखना कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत क्रिकेट भी देखने को मिल जाए, इसी तरीके से विस्तार हो रहा है पूरे के पूरे क्रिकेट का। तो चलिए खिलाड़ियों के खिलाड़ी में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और ऐसे ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और मजेदार खबर के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा।